गाइज ये एपिसोड काफ़ी कमाल का रहने वाला आपके लिए, क्योंकि भैया यहाँ पे हम बात करने वाले फेस्टिव सीजन्स के बारे में, जहाँ पे भर भर के हम लोग को ऑफर्स मिल रही है अमेज़ोन की तरफ से, फ्लिपकार्ट की तरफ से, और ऑल ओवर ये हमारे लिए काफ़ी सही चीज़ हो जाती है, क्योंकि भैया कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारा फ़ायदा हो जाता है। बट गाइज फ़ायदा तो होता है, बट अगर आप एक सही प्रोडक्ट को चूज़ करते हो तभी फ़ायदा होता है, बाकी फ़ायदा नहीं होता है। तो क्या सारी चीज़ें, देखो मैं आपको इन शॉर्ट में समझा देता हूँ कि कोई फ़ोन है जो मतलब नॉर्मल डेज में 25,000 का मिल रहा है और फेस्टिवल सीज़न के ऑफ़र में 20,000 का मिल रहा है, और अगर आपको पता चलता है कि भैया 5,000 रुपये कम में फ़ोन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको डेफिनेटली परचेस ही कर लोगे ना। तो देखो यहाँ पर ही गलती हो जाती है, आप ना प्राइस टैग को देख के फ़ोन परचेस कर लेते हो ऐसे ऑफर्स में, ये चीज़ मत करो। करना क्या चाहिए, पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट है स्मार्टफोन के अंदर उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। लाइक आप फोटोग्राफी करते हो, फोटोग्राफी पसंद है, तो आपको ये देखना चाहिए कि चलो भाई 25,000 का जो फ़ोन है वो 20,000 में मिल रहा है, तो वहाँ पे फोटोग्राफी के ऑप्शन कैसे हैं, क्या वहाँ पे फोटोग्राफी अच्छी खासी हो जाएगी? अगर यस हो जाती है तो उसको परचेस करो, वरना उसको स्किप करो। बाकी गाइज उसका कोई मतलब नहीं रहता है कि 5,000 रुपये आपने सेव करके उस फ़ोन को ख़रीद लिया, बट जो चीज़ आपको यूज़ करनी थी वो तो वहाँ पर मिला ही नहीं, तो चीज़ें ऐसी हो जाती है। तो ये कुछ ध्यान रखने की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो थी जो मैंने आपको बता दी, बट अभी हम बात करते हैं तीन ऐसे फ़ोन की कि जो 20,000 से कम प्राइस में आते, और वहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि ये तीनों फ़ोन ऐसे हैं कि तीनों के तीनों फ़ोन में भैया एक ही फ़ोन में सारी चीज़ हो जाती है। लाइक फ़ोटोग्राफी अच्छी खासी हो जाती है, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब पे कहीं पे भी वीडियोज़ देखते हो देन वो भी आपको सही से वहाँ पे मिल जाएगा, बाकी गेमिंग भी हो जाएगी। तो ऐसे ये तीन फ़ोन है, जहाँ पे पहला फ़ोन निकल के आता है पोको एक्स थ्री। अभी गाइस पोको एक्स थ्री ना, अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो 18,500 इसकी प्राइस है फ्लिपकार्ट पे, बट अगर आप कुछ ऑफर्स इस पे अप्लाई करते हो कुछ कार्ड्स को, तो ये नो डाउट उससे भी कम प्राइस में आपको मिल सकता है। बट यहाँ पे चीज़ क्या आ जाती है, डिज़ाइनिंग। कई लोग ऐसे हैं जिसको पोको एक्स थ्री की डिज़ाइन पसंद नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपके ऊपर है, और पर्सनली मेरे को भी यार नहीं पसंद है ना। तो ये सारी चीज़ें, बट स्पेसिफिकेशंस वाइज काफ़ी तगड़ा फ़ोन है। यहाँ पे देखो 732G प्रोसेसर मिलता है, साथ ही साथ एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, 6.67 इंचेस की डिस्प्ले है, और HDR10 का भी सपोर्ट है। तो पावरफुल प्रोसेसर, पावरफुल डिस्प्ले, तो भाई ये तगड़ा वाला कॉम्बिनेशन है। डेफिनेटली 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है, तो आपको गेमिंग में इसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप वीडियो एडिटिंग कर लो, कुछ भी हैवी से हैवी टास्क कर लो, मल्टीटास्क कर लो, यहाँ पे ये फ़ोन पीछे हटने वाला नहीं है, सही और तगड़ी चीज़ है। बाकी कैमराज यहाँ पे 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा सेटअप बैक साइड में मिल जाता है, जहाँ पे 64 का मेन सेंसर है एंड देन 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अल्ट्रा वाइड शॉट्स मतलब क्लिक करना उसको काफ़ी पसंद होता है, तो यार ये 13 मेगापिक्सल यहाँ पे काफ़ी सही चीज़ उन लोगों के लिए रह जाती है, क्योंकि नॉर्मली अभी 8 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड सेंसर आता है। तो देखो ये फ़ोन काफ़ी सही है, कैमराज अच्छे, पावरफुल प्रोसेसर है एंड अच्छी खासी डिस्प्ले है, और भैया उसके ऊपर यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी है, और साथ ही साथ 33W की फास्ट चार्जिंग है। तो कुल मिला के ये एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है अगर आपको 18,000 से कम प्राइस में ये फ़ोन मिलता है। अभी दूसरे नंबर की फ़ोन की बात करें तो भैया आता है Realme 7 Pro, एंड गाइज डेफिनेटली Realme 7 Pro भी काफ़ी तगड़ी डील हो जाती है। यहाँ पे 20,000 इसकी प्राइस है फ्लिपकार्ट पे, बट यहाँ पे भी कुछ कार्ड और कुछ चीज़ें आप अप्लाई करके 20,000 से कम प्राइस में भी आप इसको खींच सकते हो। और इस फ़ोन को सजेस्ट करने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों की ना ऐसी दिक्कत होती है कि भैया आज के टाइम पे 6.5 इंच के ऊपर ही डिस्प्ले आती है, लाइक 6.67 इंच, 6.7 इंच, बट भैया हमको चाहिए कॉम्पैक्ट फ़ोन जिसकी साइज़ होनी चाहिए 6.4 इंच। तो ये वही फ़ोन है, तो मतलब उन लोगों के लिए काफ़ी सही फ़ोन है मतलब कॉम्पैक्ट साइज़ का। अभी इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें गाइस, तो यहाँ पे नो डाउट AMOLED पैनल है 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो अभी AMOLED पैनल को तो भाई मेरे को कोई समझाने की ज़रूरत है नहीं, काफ़ी सही डिस्प्ले आती है, मीडिया कंजप्शन के लिए सही है, गेमिंग के लिए सही है। बाकी प्रोसेसर यहाँ पे 720G है स्नैपड्रैगन,
तो तगड़ा वाला परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे भी मिलेगा। बाकी 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, बैक साइड में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, जहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है एंड 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो कुल मिला के कमेंडेबल चीज़ यहाँ पे रियलमी 7 प्रो को लेके हो जाती है। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी बैटरी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि भैया फ़ोन भी कॉम्पैक्ट है ना, तो 4500 mAh की बैटरी है। एंड यहाँ पे अच्छी चीज़ ये निकल के आती है, 65 वोट यानी कि 65 वोट की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो मतलब यार ये ना काफ़ी सही चीज़ हो जाती है भैया, सुबह उठो ऐसे 15 मिनट फ़ोन को चार्ज किया एंड पूरा दिन मतलब चला लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये भी एक कंप्लीट पैकेज है ऑल ओवर सभी चीज़ों को देखते हुए। तो अभी जो फ़ोन आता है वो है एक मॉन्स्टर फ़ोन सैमसंग की तरफ से, गैलेक्सी M51। गाइज ये फ़ोन जब 25,000 रुपये में बिक रहा था ना, तभी भी लोग कहते थे कि भाई प्राइस के हिसाब से फ़ोन काफ़ी तगड़ा है। तो अभी ये फ़ोन, अभी मज़े की बात आपके लिए ये है कि अमेजोन पे 19,500 की प्राइस पॉइंट पे मिलता है, तो काफ़ी मतलब तगड़ी डील यहाँ पे हो जाती है। और इसके अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें गाइस, तो 6.7 इंच की एमोलेड पैनल मिल जाती है, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। तो मतलब अगर सही में आप वीडियोज़ देखना काफ़ी पसंद करते हो, तो ये एक तगड़ी डील आपके लिए हो जाती है। मतलब बड़ी स्क्रीन, तो भाई एन्जॉयमेंट लेवल तो काफ़ी कमाल का ही रहेगा। और यहाँ पे देखो, एन्जॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए नॉर्मली आप अगर वीडियोस देखते हो तो 3-4 घंटे तो देखते ही होंगे ना, तो यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए 7000 mAh की एक बिगर बैटरी दी गई है। तो ये एक मतलब काफ़ी अच्छा एंड तगड़ा कॉम्बिनेशन डिस्प्ले एंड बैटरी का हो जाता है, जहाँ पे 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। और अभी हम यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो 730G प्रोसेसर हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, और 730G अपने आप में ही एक ताकत वाला प्रोसेसर है। बट गाइज सैमसंग का जो वन UI है ना, वो काफ़ी ऑप्टिमाइज आता है। अभी एक चीज़ ऐसी हो जाती है, वन UI एंड 730G इन दोनों को मिक्सअप करके गाइज जो पावर आउटपुट निकलती है ना, वो मतलब कमाल की पावर आउटपुट निकलती है। और जो उसकी मतलब ताकत है, आप कुछ भी कर लो, मल्टीटास्किंग कर लो, गेमिंग कर लो, काइन मास्टर में वीडियो एडिटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, इसकी पावर कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है, ऐसी इसकी पावर है। तो ऑल ओवर ये काफ़ी कंप्लीट पैकेज हो जाता है मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पे जो कैमराज है काफ़ी तगड़े हैं, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 10-12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और अगर फ्रंट की बात करें तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, जो कि काफ़ी कमाल की है। और ख़ास करके M51 के कैमराज की बात करूँगा इस फ्रंट एंड बैक दोनों साइड की, तो आप यहाँ पे YouTube पे इसका एक कैमरा रिव्यू देख सकते हो। भैया 25,000 के प्राइस पॉइंट पे जितने भी फ़ोन्स आते हैं, सभी फ़ोन्स के कैमरास को ये वाला M51 बीट कर देता है। मतलब कमाल की चीज़ यहाँ पे कैमरास को लेके दी गई है, इस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हो। ये 3 फ़ोन थे जो मैंने आपको बताए, मेरे हिसाब से जो मेरे को लगा वो चीज़ मैंने आपसे शेयर करी, एंड आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। एंड यस गाइस, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भैया फ़ोन को ऑफर्स में परचेस करते हो तो प्राइस टैग को इतनी प्रायोरिटी मत दो, प्रायोरिटी देनी है तो अपनी नीड्स को दो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को दो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स उस फ़ोन में पूरी हो जाती है, देन आप उस फ़ोन को परचेस करो। तो यार एक सही चीज़ को आपने परचेस किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। बाकी अब नो डाउट, अगर नया फ़ोन परचेस करते हो तो थोड़े दिन तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जैसे जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस पुराना होता जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये मैंने एक गलत फ़ोन पे अपनी इन्वेस्ट कर दी थी। तो बस गाइज यही था, वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।